शरणं गच्छामि। पवित्र बुद्ध पूर्णिमा रे नेपाल गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामाया देवी मंदिर परिदर्शन सह बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम रे जोग देले मोदी। हेले बौद्ध संस्कृति संपन्न ओडिशा रे खा खा पड़ी कीर्तिराजी। बौद्ध पर्यटन अपार संभावना थाई भी कहीं फायदा नहीं पारुनी ओडिशा। बुद्धिस्ट टूरिज्म को कहीं विकसित करुनाहांती राज्य सरकार। भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी दृष्टि और आस्था के साथ देखा है और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं। ओडिशा रे रहिची बौद्ध परंपरा व संस्कृतिर भंडार। जाजपुर जिला रे रत्नगिरी उदयगिरी पुष्पगिरी ब्रजगिरी लांगुड़ी भली बौद्ध कीर्ति। राजधानी भुवनेश्वर रे रहिची धौली शांति स्तूप एवं सम्राट अशोकों शिलालेख। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठा होइथिबा भव्य बुद्ध मंदिर मध्ये अछि। सेपरि गंजाम जिलार जौगड़े मध्ये अशोकों शिलालेख संरक्षित रहिछि। एहा सह गजपति जिलार चंद्रगिरी रे थिबा जिरांग बौद्ध मंदिर मध्ये अन्यतम बौद्ध पर्यटन स्थली। बौद्ध धर्मर प्राण केन्द्र होउछि ओडिशा। ओडिशा रु ही बौद्ध धर्म विदेश को जाइथिला। जदि ओडिशा रे थिबा बौद्ध स्थली गुड़िकर विकास होई परंता ताहाले ओडिशा समग्र विश्व रे सुख्याति पांता आउ राज्यर अर्थनीति मध्य अभिवृद्धि होई परंता। बौद्ध साहित्य अनुसारे सम्राट अशोकों पुत्र महेन्द्र एवं कन्या संघमित्रा ओडिशार बंतर ताम्रलिप्तरु कलिंग पोतरे बौद्ध धर्म प्रचार करने सिंघल को पठाई तेज कलिंग आठटी परिवार महेन्द्र व संघमित्रा सिंघल जाते। बौद्ध धर्मर एभली अनेक ऐतिहासिक प्रमाण ओडिशार कोण अनुकोण से एवं रही किंतु विडंबना आज भली दिन रे धौली शांति स्तूप को पर्यटकों प्रवेश अनुमति नहीं। जाजपुर गजपति गंजाम आदि जिले बौद्ध पर्यटन स्थलीगुड़िक बुद्ध पूर्णिमा खाँ खाँ जहाक नहीं उद्वेग प्रकाश कर बौद्ध संस्कृति गवेषक। बुद्ध जितेबाला ज्ञान प्राप्त होते ओडिशार दुईज बणिक पांचटी शगड़ धरी उत्कलर मझिम देश गोटे जगह को जाते से माने होंगे बुद्धंकर प्रथम शिष्य। तेणु ओडिशा सहित बौद्ध धर्मर बुद्धंकर निविड़ संपर्क थिला। तपस्वल्लिक समय नहीं कि आमर बुद्धिजीम 1568 मुकुंददेव समय मुकुंददेव किसी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री रिपेयर करते लामा तारानाथ तिब्बतन मंग कहते हीरक ट्रायंगल कहचे ललितगिरी उदयगिरी रत्नगिरी को सेगुड़ा तंत्र बुद्धिजिम्र प्रमुख सेंटर थिला। जो रॉक एडिक्ट शिलालिपि अच्छी शिलालिपिटा को एएसआई प्रोटेक्ट करके डेसिफरिंग करके एते बड़ शिलालिपि अशोकर कोठी नाही गोटे पूरा माने गोटे हिस्ट्री भलिया से 18-19 शिलालिपि अच्छी भल अवस्था अच्छी प्रिजर्व कर रखिंट ट्रांसलेट होती गोटे बहुत इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट। सेबडे पवित्र बुद्ध पूर्णिमा रे बुद्ध कीर्तिराजी संपन्न कटक जिला महांका सुखुआपड़ा पहाड़ पत्थर खनन प्रतिवाद रे बुधायन पक्षरु विरोध। ललितगिरी ठारे अनुष्ठित होइछि हि प्रतिवाद। एबे जो सुखुआपड़ा पहाड़ जहाँ पे आम आज प्रतिवाद करिछु ललितगिरी जे कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट साइट तार गोटे इंटीग्राल पार्ट तार अंश ए पहाड़ रु बहुत बौद्ध कीर्ति उद्धार करा हेछि। वर्तमान जो जगार से माने खनन करुछंती सेटा गोटे मैजेस्टिक मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स। एठी विश्व प्रसिद्ध लांगुड़ी बा पुष्पगिरी जो पर्वतमाला रही एठी अनेक समय रे पूर्वर पर्यटक मैंने आसुले किंतु वर्तमान तार रक्षणाबेक्षण अभाव से बर्तमान जराजीर्ण अवस्था पड़ी एवं धर्मशाला अंचल पर यह एक दुखर विषय। एबे भी देखिपारे भुवनेश्वर पाखे रत्नगिरी उदयगिरी ललितगिरी करगिरी यार
ଆମର ଗଜପତି ଇଆର ପୁରାମାରି ଡେଙ୍ଗାଅସ୍ତା ସବୁଯାକୁ ବୁଦ୍ଧରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକୁ ଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର କାହିଁକି ହେଉନି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ କରିବା ଦିଗରେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଯଦି ବିହାର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସର ସର୍ବପୁରାତନ ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଜପତିରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା, କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।